दिखा लो आप, माँ से प्यार तो आज भी करते हो। सॉरी, गलती? तुम जैसे लोफरों को ना बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। लड़की देखी नहीं कि दिखना बंद हो जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी, मैंने सच में नहीं देखा। बहुत अच्छे से समझती हूँ तुम जैसों को। तुम जैसे बदतमीजों को ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पापा? आंटी, आप मेरे पापा को डांट क्यों रही थी? पापा? ये तुम्हारे पापा हैं? मुझे लगा कोई बदतमीज है। खबरदार, मेरे पापा को कुछ उल्टा सीधा बोला तो। बहुत शरीफ इंसान है वो। मेरे मम्मी के अलावा वो कोई लड़की को देखते तक नहीं है। इतना सारा प्यार करते हो मेरी मम्मी को, है ना पापा? शब्द भी बोला ना मेरे पापा को तो देख लेना, मुझे सिर्फ लूडो नहीं, कराटे और जूडो भी आता है। बस, जूनियर झांसी की रानी। I'm so sorry, मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी। I'm really sorry. ये भगा दिया ना? जी हाँ मैडम, भगा दिया आपने। तुम परफेक्ट टाइम पे एंट्री हुई वैसे आपकी। तो पता नहीं ये लड़की क्या करती मेरे साथ। 7 साल बाद ही सही, पर सही टाइम आ ही गया। अच्छा वैसे मैडम, हैं कौन आप? क्या नाम है आपका? और मेरी मदद क्यों की? वो जब तक सैंडल उठाती, मैंने अपनी आवाज उठा दी। पर अच्छा किया ना मैंने आपको बचा के। हाँ यार। अगर आपकी बेटी होती तो वो भी यही करती ना। समझ लो मैं आपकी बेटी हूँ। क्या बात है सासुमा, आज कितने दिनों बाद आपके चेहरे पर रौनक देखी। बहुत अच्छा लग रहा है। सच्ची नानी, आज आप कितनी अच्छी लग रही हो। नई साड़ी, इतनी सुंदर पूजा की थाली, ये किसके लिए सजाई है? कुछ स्पेशल है क्या आज? हाँ बेटा, आज का दिन बहुत स्पेशल है। हमारे छोटे मामा है ना वैभव, आज उनका जन्मदिन है। कितने सालों बाद मेरा बेटा उसके जन्मदिन पे मेरे पास है। तुम देखना, सबसे पहले बधाई मैं ही उसे दूंगी। चलो। अरे श्रेया, हाथ हटाओगी अब? रुको तो सही। हाँ रुका, यहीं पे खड़े आंखें बंद। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, यहीं पे रहना, मैं अभी आई। आंखें बंद खोलना, अब आंखें बंद। वैभव, आई कैन हियर यू। सरप्राइज चाहिए ना तुम्हें? यस। अच्छा, थ्री टू वन।
अच्छा लग रहा हूँ? अब तुम देखो, तुम तो गई। हैप्पी बर्थडे वैभव। श्रेया, वो ईशा के बॉयफ्रेंड के बर्थडे पार्टी की सारी अरेंजमेंट हो चुकी है। और हाँ, इसने कार भेजी हम दोनों के लिए। कार? क्यों? एड्रेस भेज देती, हम खुद चले जाते। अच्छी बात है ना। और रतलाम की गलियां कितनी कंफ्यूजिंग है, जहाँ देखो नमकीन नमकीन नमकीन, सब कुछ एक जैसा दिखता है। मैं हूँ ना, रतलाम की गलियों को मैं कैसे भूल सकती हूँ? आई नो, बट ठीक है ना, वो अपनी गाड़ी भेज रही है। यार वो बार बार इंसिस्ट कर रही थी तो फिर मैंने हाँ कर दी। कुछ ज्यादा एक्साइटेड है बर्थडे के लिए। रुकिए सासुमा, साले साहब को चौंकाते हैं, सरप्राइज वाली एंट्री मारते हैं, ठीक है? 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे। A very happy birthday to you, Vaibhav. God bless you. Thank you, भाभी. पर ये सब की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? जरूरत बिल्कुल थी। अब तो हमारा डबल रिश्ता जुड़ने वाला है। अरे सविता जी, ओ आप लेट हो गई। कोई बात नहीं, मैं वैभव की माँ जैसी हूँ तो आपकी कमी मैंने पूरी कर दी। और वैसे भी मॉम वैभव से ज्यादा क्लोज है। वैभव, तू जब यहाँ नहीं था ना, तब रतलाम में बहुत कुछ चेंज हो गया। नए शॉपिंग मॉल खुल गए यहाँ पर, और हाँ एक कैफे तो बहुत अच्छा खुला है। तो एक काम करते, हम दोनों कैफे में चलते, मजा आएगा बहुत। और ट्रीट इस बार तेरा बड़ा भाई देगा। बट जीजू, डोंट बी लेट। हाँ आपको पता है ना, मुझे वैभव को शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ही इज ऑल माइन टुडे। ओह माय गॉड, देखो अभी से ये हाल है तो मतलब वैभव से बाद में मिलने के लिए साली साहिबा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, है कि नहीं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.